एक जीव जंतु मरता है, चाहे वो मानव हो, पशु पक्षी हो या किसी भी योनि का, किसी भी जाति का। जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो मृत्यु के समय हजारों बिच्छू आकर के उन्हें डंक मारते। वे बिच्छू के दर्द से, उनके डंक से तभी बच पाते हैं जब उनके मुख पर राधे का नाम होता है। और जिनके मुख में राधे रानी का नाम नहीं होता, मृत्यु के समय, मृत्यु के कुछ समय ठीक पहले हजारों बिच्छू आकर के उन्हें डंक मारते। इसलिए तो कहा जाता है कि प्रत्येक क्षण अपने मुख में ईश्वर का नाम रखो। और नाम भी कैसा, नमो भगवती तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निदधाय नमः शंकर इस प्रकार प्रत्येक क्षण हमें ईश्वर के नाम का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जिनके मुख पर ईश्वर का नाम होता है और जिनके मुख पर, मस्तक पर ईश्वर नाम का तिलक होता है, वो तिलक देखकर अगर कोई संकट आने वाला भी है, वो तिलक देखकर ही वो दूर चला जाता है। वो ये सोचता है कि मेरा यहाँ कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि इनके मस्तक पर पहले से ही ईश्वर नाम का आशीर्वाद है। घर से जब भी आप निकले तो आप अपने मस्तक पर तिलक करके जरूर निकले। अगर कोई रास्ते में संकट भी आ रहा है तो उस संकट से रक्षा आपको आपका तिलक बचाएगा। दूसरी बात कि ऐसा समय आता है कि रोजाना ईश्वर भक्ति के लिए हम समय नहीं निकाल पाते। काम इतना ज्यादा हो जाता है कि भगवान की भक्ति के लिए हम 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते। ऐसा कभी कभी समय आ जाता है। तो अगर ऐसी बात है तो हमेशा गले में कोई भी ईश्वर नाम की एक माला धारण करो, चाहे वो तुलसी माला हो, चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो या किसी भी देवी देवता के नाम की माला, ताकि जब आप स्नान करने जाएं, आपके शरीर पर अगर वो जल पड़ रहा है तो जब वो जल माला में आएगा, वो माला से होते हुए वो जल आपके शरीर में जाएगा, आपको वो गंगा जी में स्नान करने का उतना ही फल मिलेगा जिस समय आप अपने कंठ में तुलसी की माला धारण करके स्नान करते। वो तुलसी का जल सीधे आपकी शरीर पर आता है। तो कथा केवल कथा के रूप में हमें सुन करके बाहर नहीं निकालना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम टीवी देखते हैं, जो स्त्रियां होती, जो माताएं होती, उन्हें टीवी सीरियल्स ज्यादा पसंद आते हैं, और जो हमारे पुरुष वर्ग के लोग होते हैं उन्हें क्रिकेट ज्यादा पसंद आती है। ऐसी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कई बार ऐसे होता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, आपका मन करता है कि इसे बार 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 दिखाया जाए, और कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि मन करता है इसे दोबारा दिखाए ही मत। लेकिन वो तो फिल्म है, वो पहले ही बन चुकी है। जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने वो फिल्म पहले ही बना दी। आपको नहीं पसंद है, आपको नहीं देखना, आप टीवी बंद कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। अगर आपको नहीं देखना आप मत देखिए। लेकिन हमारे ना चाहने से या चाहने से कोई वो टीवी सीरियल बदल तो नहीं सकता है, या कोई उसे बंद तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पहले ही बन चुकी। हम उसे बदल नहीं सकते या उसे बंद नहीं कर सकते। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन, इस जीवन के डायरेक्टर हमारे कान्हा जी, जिस कान्हा जी ने, जिस डायरेक्टर ने पहले ही ये सुख और दुख हमारे जीवन में लिख दिया। हमें दुख पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसे झेलना होता है। जब हमें पता है कि हमें दुख झेलना है, फिर उदास होकर के, दुखी होकर के उसे झेलने से क्या मतलब। जब आपको ये बात पता है कि हर हालात में आपको वो दुख सहन करना ही है, तो थोड़ा मुस्कुरा करके उस दुख का सामना करो, क्योंकि जब आप मुस्कुराओगे तो वो दुख जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए सदा जब भी हो, समय मिले, ईश्वर नाम का ध्यान करना चाहिए। एक ऐसे ही एक ऐसा देश हुआ जहाँ के जो राष्ट्रपति जी थे, आज भी राष्ट्रपति जी कहते हैं कि मैं सभी कैदियों से खुद जाकर के मिलूंगा, उनसे पूछूंगा कि भाई कोई पीड़ा, कोई कष्ट तो नहीं। अब वो राष्ट्रपति जी जेल जाते हैं, 26 जनवरी का पावन दिवस था, जाते हैं, भाषण देते हैं, खूब देर तक दूसरों को समझाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अब भाषण खत्म होने के बाद वे सभी कैदियों से जाकर खुद मिलते हैं। पहले कैदी से जाकर मिलते हैं, उनसे पूछा कि भाई तुम्हें कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं सारी दुख पीड़ा को दूर करने आया। पहले कैदी ने कहा, राष्ट्रपति जी
मुझे भूख ज्यादा लगती है, लोग मुझे भोजन कम देते, तो मेरी जो भोजन की मात्रा है ना वो मात्रा आप बढ़वा दीजिए। अब राष्ट्रपति जी ने तुरंत आदेश दिया कि इसे दो रोटी और ज्यादा दिया जाना चाहिए। दूसरे कैदी के पास गए, उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या पीड़ा है, आपको क्या चाहिए। दूसरे कैदी ने कहा कि भाई मैं लेखक, मुझे लिखने की बीमारी, आप एक काम करिए मेरे लिए किताब और कलम की व्यवस्था करवा दो। राष्ट्रपति जी ने तुरंत आदेश दिया। तीसरे कैदी के पास जाते हैं, कहते हैं आपको क्या चाहिए। तीसरे कैदी ने कहा मुझे ठंड ज्यादा लगती है, लोग मुझे चादर कम देते। राष्ट्रपति जी ने तुरंत उनके लिए नई चादर मंगवाई। ऐसे करते करते वे सभी कैदियों की इच्छा को पूरी करते। जब सबसे आखिरी कैदी के पास आते, उनसे पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए। उस आखिरी कैदी ने कहा स्वामी मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, बस एक गलती हो गई जिस गलती की सजा मैं यहाँ जेल में रह करके भुगत चुका। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतनी सी कृपा कर ले कि एक बार मुझे इस जेल से बाहर निकाल दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा, कभी कोई पाप नहीं करूंगा। राष्ट्रपति जी ने तुरंत आदेश दिया कि इस कैदी की बाकी की सजा माफ कर दी जानी चाहिए। अब राष्ट्रपति जी तो जेल के अंदर है, वो बाहर ही नहीं आए हैं। उनके बाहर आने से पहले वो कैदी बाहर आ गए। तो यही मांग जो उस कैदी ने राष्ट्रपति जी से किया, वही मांग हम सबको करनी है कि प्रभु इस संसार में आ तो गए हैं लेकिन बिना आपके नाव के सहारे, बिना आपके नाम के सहारे, बिना आपकी रस्सी के सहारे हम बाहर नहीं आ सकते। इसलिए आप सदा हमारे साथ रहिए। जब भी हम आपको पुकारे, जिस अवस्था में आपको पुकारे, आपको उसी अवस्था में हमारे पास आना हो। ऐसी ही कथा है हमारे भागवत जी की, महाराज हरिश्चंद्र जी की कथा। हरिश्चंद्र जी का नाम सभी जानते हैं कि एक ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, हमेशा सच का साथ दिया। ऐसे थे हमारे राजा हरिश्चंद्र जी। लेकिन कहते हैं ना कि जो ये भाग्य होता है, बड़े बुजुर्गों के मुख से सुनते हैं कि हम जो आज अगर कोई दुख सहन करते हैं, कोई पीड़ा सहन करते हैं, तो वो हमारे पूर्व जन्म की सजा होती है, पाप होता है जिसे हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत गलत है। हम कोई पूर्व जन्म का पाप नहीं भुगतते। हम जो पाप इस जन्म में करते हैं उस पाप का फल हमें इसी रूप में भोग करके हमारी मृत्यु होती है, फिर दूसरे जन्म में जाकर हम अपने पाप का फल नहीं भोगते। वैसे ही राजा की भी कुछ गलती रही होगी, कोई त्रुटि रही होगी जिसके कारण आज वे संतानहीन थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। वरुण देवता का आवाहन करते हैं, वरुण जी से संतान मांगते हैं, कहते प्रभु आप मुझे संतान की प्राप्ति करा दीजिए, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। वरुण जी ने कहा तुम पिता तो बनोगी, बस शर्त यह है कि संतान होने के ठीक बाद वो संतान तुम मुझे सौंप दो। राजा हरिश्चंद्र जी ने ठीक से सुना नहीं और उन्होंने वचन दे दिया कि जैसा आप कह रहे हैं वो सारी शर्तें मुझे स्वीकार है। अब वरुण देवता ने यथा समय उनको संतान दिया। जब संतान होती है, संतान का नाम रखा जाता है रोहित। अब उनकी पत्नी उन्हें समझाती है कि आपने वचन दिया है कि आप संतान को वरुण देवता जी को सौंप देंगे, अब वो समय आ गया है, आप अपने बेटे को उन्हें सौंप दीजिए। तो आज राजा पुत्र मोह में आकर के छल करते हैं। पहली बार अपने जीवन में उन्होंने एक बेटे के मोह में आकर के छल किया। और कैसा छल, कि जो विश्वामित्र जी हुए उनके भांजे थे सुनह शेष। अब सुनह शेष को लाते हैं और जैसे हम पशुओं को बांधते हैं एक खंबे से, वैसे उस सुनह शेष को बांध दिया जाता है और वरुण देवता को बुलाया जाता है कि प्रभु आप आइए और मैं अपनी संतान आपके हाथों सौंप रहा हूं। जबकि वो उनकी संतान नहीं थी, वो तो विश्वामित्र जी के भांजे थे। अब वरुण देवता तो वो संतान लेकर के चले जाते हैं। अब ये सारा कुछ क्रिया कर्म जो है विश्वामित्र जी देख रहे हैं। जब ब्रह्म की सभा लगती है, वहां सभी जितने भी संत थे, महात्मा थे, ऋषिगण थे, देवी देवता थे, सभी कह रहे हैं कि संसार में सबसे श्रेष्ठ राजा हुए राजा हरिश्चंद्र जी, जिनकी सत्यता का ना तो कोई पार पा सकता है और ना ही कोई पाया, ऐसे श्रेष्ठ राजा। उतने ही समय में उनकी तारीफ सुनकर विश्वामित्र जी कहते हैं कि वो कोई श्रेष्ठ राजा नहीं, वो झूठा है, वो छल करता है, वो कपट करता है। कैसा कपट। अब सभी जो महात्मा थे कहते हैं स्वामी आपको कोई गलत विचार हुआ होगा, आपको किसी ने गलत बातें बताई होंगी, क्योंकि राजा ऐसे नहीं,
वो हमेशा सच का साथ देते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो परीक्षा लेकर के देख लेते, अगर वो सत्यता साबित कर लेते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि अपनी 60,000 तपस्या का जो फल है वो फल मैं राजा को सौंप दूंगा। लेकिन अगर राजा असत्य साबित हो जाते हैं, झूठे साबित हो जाते हैं, तो उनके नाम के आगे से सत्यवादी शब्द को हटा दिया जाएगा। उसके बाद से कोई राजा को सत्यवादी हरिश्चंद्र जी नहीं कहेगा, क्योंकि वो झूठा साबित हो चुका होगा। अब सबको ये बात स्वीकार हो जाती है। अब विश्वामित्र जी जो है परीक्षा लेने के लिए, जिस समय राजा सो रहे हैं और सोते हुए स्वप्न देखते हैं कि वो शिकार करने के लिए वन गए, उसी स्वप्न में आज विश्वामित्र जी प्रवेश करते हैं और नकली मायावी सुअर का निर्माण करते हैं। उसी सुअर के पीछे पीछे उनका शिकार करने के लिए राजा हरिश्चंद्र जी भागने लगते हैं। भागते भागते वन में चले जाते हैं और वो जो सुअर था वो तो मायावी था, वो बीच में जाकर के गायब हो जाता है। अब जैसे वो गायब होता है, इधर राजा को रास्ता समझ में नहीं आता है कि मैं कहां से बाहर निकलूं। उन्हें भूख और प्यास लगने लगती। जब भूख और प्यास से व्याकुल होने लगते हैं, चिल्लाते हैं, कोई तो मेरी सहायता करो, कोई तो मुझे भोजन का पता दो, कोई तो मुझे जल का पता दो। फिर विश्वामित्र जी दूसरी बार छल करते उनके पास आते हैं। उन्हें देख करके राजा कहते हैं, आप मुझे अगर जल का पता बताएंगे तो मैं अपना सारा राजपाट आपको दान कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने उन्हें कहा कि कुछ दूर आगे बढ़ते ही एक सरोवर है। अब जैसे ही राजा आगे बढ़ते हैं, सच में सरोवर दिखाई देता है। जैसे ही सरोवर का जल ग्रहण ही करते हैं कि उनकी आंख खुल जाती है। जो नींद में वो स्वप्न देख रहे थे वो नींद खुल जाती है। अब जैसे आंख खोल करके देखते हैं तो जो विश्वामित्र जी स्वप्न में थे वो ठीक उनके सामने खड़े हुए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजा, आपने स्वप्न में ही सही मुझे अपना सब कुछ आपने दान कर दिया है, तो मैं अपनी संपत्ति आपसे लेने आया। अब राजा ने कहा, चाहे स्वप्न में हो चाहे हकीकत में हो, मैंने दान तो कर दिया है और इस दान की गई वस्तु में मेरा कोई अधिकार नहीं। राजा ने उनको सब कुछ सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये तो हुई दान की बात, अब आपको भूषी दक्षिणा भी देनी होगी, क्योंकि दान तब तक सफल नहीं होता जब तक आप भूषी दक्षिणा नहीं देते। क्योंकि ये जो दान और दक्षिणा है, ये दोनों माता और बेटे। अगर आपने दान कर दिया, आपने दक्षिणा नहीं दी, तो आपने एक माता और एक बेटे को आपने अलग कर दिया। इसलिए जब भी आप दान करें, याद रखिए दान के बाद आपको दक्षिणा देना भी अनिवार्य होता है। आज विश्वामित्र जी ने भी कहा कि आपने दान तो कर दिया है लेकिन आपने मुझे दक्षिणा नहीं दी। राजा फिर अपने महल के धन कोष में जाते हैं, कुछ धन निकाल करके लाते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं, ये सब कुछ आपने मेरे नाम लिख दिया है, अब इस पर आपका कोई अधिकार नहीं, फिर आप इसी संपत्ति से निकाल करके मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते, क्योंकि अब ये मेरी वस्तु है। आप सब भी ऐसा करते हैं क्या कि एक बार ठाकुर जी को फूल चढ़ा दिया, वो फूल वापस ले लेते हैं कि कल का काम आएगा, नहीं कर देना। तो वैसे राजा हरिश्चंद्र जी आज सब कुछ तो उन्होंने दान कर दिया, दान करने के बाद उसी दान में से निकाल करके भी उन्हें दक्षिणा दे रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये सही नहीं, आप अपनी मेहनत से कमा करके मुझे दक्षिणा देंगे तो ही मैं स्वीकार करूंगा। अब सब कुछ तो दान कर दिया, अब फिर रहेंगे कहां। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राजपाट, ये संसार, ये जमीन जायदाद आपने सब मेरे नाम लिख दी, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप कहाँ रहेंगे, आप इस संसार में तो नहीं रह सकते। तब राजा ने कहा कि मैं काशी क्षेत्र में जाकर के रहूंगा। ये जो काशी क्षेत्र है वो इस धरती लोक में नहीं आता। हम जिस धरती पर निवास करते हैं, ये जो काशी नगरी है वो धरती पर नहीं आता, फिर कहाँ आता है। काशी क्षेत्र भगवान शिव की त्रिशूल की नोक पर बसा हुआ है, वो धरती लोक की सीमा से कोसों दूर है। जिस काशी क्षेत्र में हम जाते हैं, कहते हैं कि वो पवित्र स्थान है, जहां भोले बाबा का निवास स्थान है। वो काशी क्षेत्र भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसा हुआ है। तो आज विश्वामित्र जी ने राजा को 30 दिन का समय दिया कि वो दक्षिणा कमा कर ला करके मुझे दे सके। काशी क्षेत्र जाते हैं, खूब मेहनत करते हैं और 28 दिन में वे सोने के सिक्के एकत्रित कर लेते। अब जैसे वापस आते हैं, बीच में नदी पड़ती, नाव पर बैठते हैं और जो धन राशि है वो अपने हाथ में लिए हुए। इतना सब कुछ करने के बाद भी विश्वामित्र जी को शांति नहीं। फिर परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं, नदी में मायावी भंवर उत्पन्न करते हैं।
जिस भंवर के कारण आज नाव जो है वो डगमगाने लगती है, हिलने लगती है, और डगमगाते हुए जो नाव में सोने के सिक्के रखे हुए थे वो नीचे गिर जाते हैं। अब राजा जो है वो उदास हो जाते हैं कि इतनी मेहनत से 28वें दिन में मैंने ये सोने के सिक्के एकत्रित किए थे, अब मेरे पास केवल 2 दिन का समय है, मैं इन 2 दिनों में इतना सारा सोने का सिक्का कहां से कमा कर लाऊंगा। उदास हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अगर मैंने दक्षिणा नहीं दिया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, जो समस्त राज्य में मेरे नाम का डंका बजता है कि एक ऐसे राजा भी हुए जो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते, जिन्होंने एक बार अगर कुछ कह दिया तो वे उस काम को पूरा करके रहते हैं। आज मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, मेरा अपमान हो जाएगा, संपूर्ण राज्य में कोई मुझे राजा नहीं मानेगा। अपने पति को उदास देखकर आज जो उनकी पत्नी है तारामती जी, तारामती जी कहती हैं कि स्वामी मैं आपका नाम अपमान होते हुए नहीं देख सकती। आज वे अपने आप को बेचने का प्रयास करती, बीच चौराहे में जाती, आवाज लगाती है कि कोई मुझे खरीद लो, कोई मुझे खरीद लो। उतने ही समय में विश्वामित्र जी आते हैं और रानी को खरीद लेते। फिर भी सोने के सिक्के जो दक्षिणा का दान था वे दक्षिणा पूरा नहीं होता। तब माता ने कहा, स्वामी आपने जैसे मुझे खरीदा है वैसे आप मेरी संतान को भी खरीद लीजिए। बेटे को भी बेच दिया जाता है फिर भी सोने के सिक्के पूरे नहीं हो रहे, तो आज राजा हरिश्चंद्र जी अपने आप को बेचते। लेकिन वो तो राजा हरिश्चंद्र जी है, उन्हें खरीदने का साहस हैसियत किसमें है, कोई उन्हें खरीद नहीं सकता है। जितने भी बड़े बड़े राजा हुए सब पीछे हट जाते हैं, कहते हैं हम इन्हें खरीद नहीं सकते, हम में इतना साहस नहीं है कि हम इन्हें खरीदे। तब आज धर्म जो है साक्षात चांडाल का रूप धारण करके आते हैं, उन्हें खरीदने का प्रयास करते हैं। राजा मना कर देते हैं कि आप मुझे मार दीजिए लेकिन मैं एक चंडाल के हाथों नहीं बिक सकता। तो एक राजा जी आते हैं और राजा आकर के हरिश्चंद्र जी को खरीद करके चंडाल के हाथों सौंप देते। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट जिनके नाम का टंका समस्त विश्व में चराचर ब्रह्मांड में बजता है, आज ऐसे राजा अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके अपनी पत्नी बेच दी, अपने संतान बेच दिए, अपने आप को बेच दिया और आज एक शमशान भूमि में चंडाल का काम कर रहे हैं। दक्षिणा जब पूरी हो जाती है, विश्वामित्र जी को सौंप दिया जाता है, उसके बाद भी उन्हें शांति नहीं। जब हरिश्चंद्र जी के बेटे बाहर खेल रहे हैं, उन्हें खेलता हुआ देखकर विश्वामित्र जी सांप का रूप धारण करके आते हैं और सांप बन करके आकर के उस छोटे से बालक को डस लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। 4-5 बालक दौड़ के आते हैं, बताते हैं मैया मैया आपकी जो संतान है वो बीच चौराहे पर मृत पड़ा हुआ है, एक सर्प ने आकर उसे डस दिया, आपका बेटा जीवित नहीं वो मर चुका है। अब जैसे मैया को ये बात पता चलती है कि मेरी बेटे की मृत्यु हो गई, दौड़ते हुए आती है, जैसे महल के बाहर कदम रखने वाली थी, विश्वामित्र जी ने रोक दिया, कहने लगी देवी आप महल के बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि इस समय ना तो आप पत्नी हैं और ना ही किसी की माता है, ना ही किसी की परिवार वाले, आप इस समय मेरी दासी हैं और एक दासी का काम यही है कि पहले अपने स्वामी की सेवा करें, जब स्वामी की सेवा समाप्त हो जाए तब जाकर के आप मुझे त्याग सकते हैं, लेकिन आपका काम अभी समाप्त नहीं हुआ, आप महल से बाहर नहीं जा सकते। अब एक मैया विवश होकर के महल वापस आती है, मन ही मन विचार कर रही है कि मेरी जैसी माता संसार में किसी और संतान को ना दे, क्योंकि जब एक माता को ये पता चल जाए कि उनका बेटा उनकी संतान बीमार है, केवल बीमारी का नाम सुनकर के एक माता अपना सब कुछ त्याग देती, अपना धन रुपए पैसे राजपाट सब कुछ त्याग देती और सब कुछ त्याग करके अपने संतान के पास जाते हैं, बस यही प्रार्थना करते हैं कि चाहे जैसे भी हो मुझे अपने आप को बेचना पड़े, बस मेरी संतान बच जाए। ये एक मातृत्व का भाव होता है, लेकिन मैं एक ऐसी माता हूँ जिसे ये पता चल चुका है कि उसकी संतान अब जीवित नहीं है, फिर भी मैं अपने संतान के पास जा नहीं पा रही। रोते रोते अपना सारा काम समाप्त करती है, जैसे ही मध्य रात्रि होती है सब काम समाप्त करके मैया दौड़ती हुई जगह जगह गिरती हुई, उनके सारे वस्त्र जगह जगह से फट चुके थे, जो केश थे जो बाल थे वे बिखरे हुए हैं, और ऐसी अवस्था में मैया भागती हुई दौड़ती हुई चौराहे पर आती है जहां उनके बेटे का शव रखा हुआ।
मैया चौराहे में आकर अपने बेटे के शव को अपने सीने से लगा करके जोर जोर से रोने लगती है कि मेरी जैसी माता संसार में भगवान किसी और संतान को ना। उनके रोने की आवाज सुन करके आज सभी गांव वाले दौड़ के आते हैं। उन्हें दूर से देख करके लगता है कि ये कोई पिशाचनी है जो बच्चों को मार करके खाने वाली है। आज इसने एक बालक को मार दिया है, कल कहीं दूसरे बालक को ना मार दे, इससे अच्छा हम इसे जिंदा जला देते। आग लेकर के आते हैं, जैसे मैया को जलाने का प्रयास करते हैं, मैया अपने बेटे को वहीं छोड़कर प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागती हुई उसी शमशान भूमि पर आकर के रुक जाती है, जिस शमशान भूमि पर उनके पति चंडाल का काम कर रहे हैं। उस शमशान भूमि में आते ही मैया जोर जोर से रोने लगती है कि मैं कैसी अभागन माँ। सबसे पहले तो संतान नहीं थी, जब संतान हुई उस संतान को प्राप्त करने के लिए मेरे पति ने विश्वामित्र जी के साथ छल किया, धोखा किया कि उनके भांजे को अपने बेटे के स्थान पर वरुण जी को सौंप दिया। मेरे पति ने स्वप्न में अपना सब कुछ दान कर दिया, उनका मान सम्मान बचाने के लिए आज मैंने अपने आप को बेच दिया, मैंने अपने बेटे को बेच दिया, जिस बेटे को बचाने के लिए अपने पास रखने के लिए हमने ना जाने कितने झूठ बोले। वरुण देवता तक को धोखा दिया है, छल किया है, विश्वामित्र जी के साथ छल किया है केवल उस एक संतान को अपने पास रखने के लिए, और आज वही संतान हमारे बीच में है। हर माता का स्वप्न होता है कि जब उनकी संतान बड़ी हो उसे मंडप पर बिठाए, मंडप पर बिठा करके उनके साथ फेरे लगवाए, उन्हें हल्दी लगाए, उनके शरीर पर हल्दी और बेसन का लेप लगाए, ये हर माता का एक अरमान होता है, इच्छा है। जब बेटे का विवाह होता है उनके तन पर हल्दी का लेप लगाया जाता है, आज जब मेरा बेटा मर चुका है तब भी उनके शरीर पर हल्दी का लेप लगेगा, जब मेरा बेटा दूल्हा बनेगा तो उनके सर पर सहरा बांधा जाता है, लेकिन आज मेरा बेटा इस संसार से विदा होकर के जा रहा है, मुझे उनके शरीर पर वो कफन भी रखने का एक अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, मैं इतनी अभागन माँ। उनकी आवाज सुनकर राजा हरिश्चंद्र जी बाहर आते हैं, उनसे पूछने लगते हैं, देवी आप हैं कौन, आपके केश बिखरे हुए हैं, चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, और आप ये बार बार ऐसा क्यों कह रही हैं कि आपका बेटा मर चुका है, ये राजा हरिश्चंद्र जी की संतान है, आप हैं कौन। मैया तारामती ने कहा कि मैं उसी राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी हूँ, जिस संतान को प्राप्त करने के लिए हमने ना जाने कितने प्रयास किए, आज वही संतान हमारे बीच में नहीं। जैसे राजा हरिश्चंद्र जी ने सुना, दौड़ के जाते हैं, अपने बेटे के शव को उठा करके शमशान भूमि पर लाते हैं, लकड़ी की चिता तैयार की जाती है, रोहित को उसमें लिटाया जाता है, सुलाया जाता है, सारी जो उनकी अंतिम क्रियाएं हैं सब कुछ किया जाता है, लेकिन जैसे अग्नि देने की बारी आती है राजा हरिश्चंद्र जी मना कर देते हैं, कहते हैं देवी यहाँ मैं केवल एक दास हूँ, एक नौकर हूँ, एक सेवक हूँ, जहाँ मेरे स्वामी का आदेश है कि अगर कोई शव यहाँ पर आता है तो जब तक उस शव के बदले में हमें धनराशि प्राप्त नहीं होती, बदले में हमें कुछ मिलता नहीं है, तब तक हम उस शव को अग्नि नहीं दे सकते। अगर आपको भी अपने बेटे की शव को उनकी चिता को अग्नि देनी है तो आपको मुझे बदले में कुछ धनराशि देना हो। मैया कहती, स्वामी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपका मान सम्मान बचाने के लिए तो मैं खुद बिक गई, अपने बेटे तक को मैंने बेच दिया, आपने अपने आप को बेच दिया केवल आपके एक नाम को बचाने के लिए, हमारे पास धन संपत्ति कहाँ से आएगा जब हम खुद विश्वामित्र जी के घर एक नौकरों का काम कर रहे हैं, एक दास दासी का काम कर रहे हैं, मेरे पास कोई धन नहीं है, और आप अपने ही बेटे के शव को अग्नि देने के लिए मुझसे धन मांग रहे हैं, आप कैसे पिता हैं, क्या आपके मन में थोड़ा भी दया नहीं है, थोड़ी भी करुणा नहीं है कि आप अपने बेटे के शव को जलाने के लिए मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मुझसे धन मांग रहे हैं। राजा ने कहा, देवी यहाँ मैं किसी का पति, किसी का पिता नहीं, यहाँ मैं केवल दास हूँ, और जैसा मेरे स्वामी मुझसे कह के गए हैं मुझे ठीक वैसे करना होगा, जब तक आप मुझे इनके बदले में कुछ देंगे नहीं तब तक मैं ये शव को जला नहीं सकता, आप मुझे बदले में कुछ दान कीजिए, उसके बाद ही मैं आपके बेटे के शव को अग्नि दूंगा।
आज मैया जैसी अपने आंचल को फाड़ने का प्रयास करती, साक्षात जगत जननी माँ अम्बा वहां आकर के खड़ी हो जाती। मैया जी उनके आंचल को फटने से रोकती, उन्हें समझाती है कि संसार में वो सुख कहीं नहीं है जो सुख एक माता के आंचल में, क्योंकि जब माता अपने आंचल को अपने संतान के शीश पर रखती है, उस संतान के ऊपर आने वाली सारी बाधाएं दूर हट जाती केवल माँ के आंचल से। अगर ऐसे ही माँ का आंचल अगर फटता जाएगा तो संसार में कोई संतान सुखी नहीं रह सकता। आप चाहे हजार रुपए दान कर लो, आप चाहे करोड़ों रुपए दान कर लो, लेकिन जो सुख माँ के आंचल में है ना, वो सुख आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। आप अपने आंचल मत फाड़िए। मैया तारामती ने कहा, मैया अगर मैं आंचल नहीं फाड़ूंगी तो आज मेरे बेटे के शव को अग्नि नहीं दी जाएगी, आज मेरे बेटे की अंतिम क्रिया नहीं हो पाएगी। मेरा स्वप्न था कि मैं अपने बेटे को सुंदर सजा भजा कर उनका विवाह कराऊं और उनको इस संसार से जो है अपने प्रेम के मोह से जो बंधा हुआ है, जो मेरा बेटा मेरे आंचल से बंधा हुआ है, उस आंचल से मुक्त करके मैं उसे उनकी पत्नी के हाथ में सौंपूं। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि मुझे अपने बेटे को इस संसार से ही विदा करना पड़ रहा है, और वो भी इस शर्त पर कि मैं अपने पति को कुछ दान करूं, तब जाकर के मेरे पति अपने बेटे को अग्नि देंगे, इसलिए मुझे अपने आंचल आप फाड़ने दीजिए। मैया ने उन्हें समझाया कि अगर आज ये आंचल फट गया तो सारे संसार में प्रलय आ जाएगा। आज आप अपने एक बेटे की क्रिया कर्म करने के लिए अपने आंचल फाड़ रहे हैं, लेकिन जैसे अगर आप आंचल फाड़ेंगे तो संसार में सभी माताओं की संतान अपने आप मर जाएंगे, इसलिए आप अपने आंचल मत फाड़िए। एक संतान के लिए आप बाकी संतानों की बलि मत दीजिए। मैया ने उन्हें समझाया और राजा हरिश्चंद्र जी की सभी राज पाट धन दौलत उन्हें वापस करते। जो बेटा अग्नि की चिता पर लेटा हुआ है, जिसे अग्नि दी जाने वाली है, आज वो बेटा मृत अवस्था को त्याग करके वापस जीवित होता है। मैया तारामती के सारे वस्त्र जो जगह जगह से फटे हुए हैं, वे वापस अपने राजसी रूप में वापस आ जाते हैं। इस प्रकार देवी जी ने उनका समस्त राजपाट उन्हें वापस कर दिए। आज जो विश्वामित्र जी ने संकल्प लिया था कि अगर राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी साबित हो जाते तो मैं अपनी 60,000 वर्ष की तपस्या का फल राजा को सौंप दूंगा, आज विश्वामित्र जी ने अपनी 60,000 वर्ष की तपस्या का फल राजा जी को सौंप दिया। तो ये केवल भक्ति, हम जब भी थक हार के ईश्वर के शरण में जाते हैं, कहते हैं कि आप संसार में जहां पे भी जाओ हाथ फैला कर भी अगर रो कर भी मांगोगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ आकर के केवल दो आंसू बहा दोगे ना, आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आपको रोना होगा, वो ठाकुर जी आपको आपकी झोली में सब कुछ दे देंगे। ऐसे हमारे बिहारी जी, सारे जगत में अगर आप हार जाओगे ना, अगर रोते हुए आओगे, अगर दोनों हाथ फैलाओगे और आंखों में आंसू लेकर के आओगे, लोगों को खुश करने जाओगे तो महंगे तोहफे देने पड़ेंगे, महंगे उपहार देने पड़ेंगे, तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि सामने वाला खुश होगा कि नहीं होगा। लेकिन बिहारी जी को अगर प्रसन्न करना है तो उन्हें महंगे तोहफे की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल आपके आंसुओं की आवश्यकता है। तभी तो बिहारी जी ने कहा है क्या, निर्मल मन जन सो मोहि पार, मोहि कपट छल चित्र न भार। ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि आप जितना हो सके संसार में रोना बंद करके मेरे दरबार में रो, आपको हंसाने का काम मेरा है। आप सारे संसार में हार करके अगर दरबार में आते हैं ना तो यहाँ से जीत कर हम बाहर जाते हैं। अगर दोनों हाथों से मांग रहे हैं तो वो ऊपर वाला इतना ज्यादा देता है कि हम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन वो देते देते कभी नहीं थकता है। बस फर्क इतना है कि वो देकर भूल जाता है और हम लेकर भूल जाते हैं। हमको ये याद नहीं होता कि हमने ठाकुर जी से क्या मांगा है, कितना मांगा है, और वहीं ठाकुर जी ये याद नहीं रखते कि उन्होंने किस भक्त को कितना दिया है, कितनी मात्रा में दिया है, ये उनके नाम की महिमा है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि दरबार में सर झुकाओ, क्योंकि यहाँ सर झुकाने से ना संसार में सर हमेशा उठा हुआ रहता है, और अगर यहाँ सर हम नहीं झुकाते ना तो संसार में हमें सर झुका करके चलना पड़ता है। तभी तो बड़ा ही सुंदर भाव है।
जब जब कृष्ण का प्रेमी कहीं पिरोता है, आंख के आंसू से शरण को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे ना, जोर गल पे चले तो हाथ उठाए।